बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सीधा सवाल मैं ये पूछूंगा, बीजेपी कार्यकर्ता के मन में भी ये सवाल है, जेडीयू कार्यकर्ता के मन में भी सवाल है, बिहार वासियों के मन में भी ये सवाल है, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी अपना कुछ? बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में इस तरह का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब फरवरी में माननीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने इसकी घोषणा की थी, उसी दिन से यह बात क्लोज हो चुकी है। यह सवाल केवल अब मीडिया में तैरता है, भाजपा कार्यकर्ताओं में इस तरह का कोई सवाल नहीं तैर रहा। नीतीश कुमार ही होंगे मुख्य, जाहिर बात है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है, भाजपा में इसके बाहर की कोई सुविधा उपलब्ध किसी को नहीं है। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे रहे सर जिसके वजह से ये इलेक्शन जो है वो टर्न अराउंड हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल या बहुत सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार तेजस्वी यादव जो है वो आगे निकल जाएंगे एनडीए से? सबसे बड़ा मुद्दा रहा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए किया है, और गरीबों की झोपड़ी में जो सुविधाएं दी हैं, जो महिलाओं को उन्होंने जो स्वाभिमान और अधिकार दिया है, जो उनकी प्रतिष्ठा दी है, वह सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरा बड़ा मुद्दा सुशासन था, और इन दोनों के कारण ही चौथी बार हम जीतने में सफल हुए। सर, एलजेपी आप लोगों से अलग होकर चुनाव लड़ी लेकिन बीजेपी के करीब है, तो क्या इस सरकार में हम देख सकते हैं कि एलजेपी के जो एक विधायक हैं वो भी सामने आएंगे, क्या इस तरह की कोई बात? एनडीए गठबंधन चार दलों का गठबंधन है, उसके बाहर कोई नहीं है और उसके बाहर किसी के आने की जरूरत भी हमें नहीं है। तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ बहुत थी, कहाँ चूक हो गई उनसे, आपको क्या लगता है किस वजह से जो है वो इलेक्शन रिजल्ट्स में वोटर्स जो है वो तब्दील नहीं हो पाए जो रैली में लोग आ रहे? हमारे यहाँ है कि गप उतना ही मारिए जितना पच सके, आप इतना बड़ा गप आपको नहीं मारना चाहिए जो आप पचा नहीं सकें। आपके पास उदाहरण है कि 12 विभाग के आप मंत्री थे, आपने एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया। आपके पास उदाहरण है कि झारखंड में आपकी सरकार है, आप एक साल में 8,000 नौकरी दे रहे हैं। आपके पास उदाहरण है कि आप कांग्रेस की पंजाब में आपकी सरकार है जो भारत का सबसे अमीर राज्य है, वहाँ आप 16,000 नौकरियाँ देते हैं एक साल में। तो उतना ही गप मारना चाहिए जितना पच सके, इतना बड़ा गप कभी नहीं मारना चाहिए जो रफू भी नहीं हो सके। आज क्या कोई एनडीए के घटक दलों की बैठक है, कुछ घोषणा करने वाला साथ? ये मेरा काम नहीं है, ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय होता है। हमारा कार्य संगठनात्मक है, हम आज से अपने संगठनात्मक कार्य में लग गए। शुक्रिया। तो संजय जायसवाल थे जो बता रहे थे कि तेजस्वी यादव ने इतनी बार बड़ा वादा कर दिया है जिसे वो पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे राज्यों में जो सरकार है वो इस तरीके के किसी भी वादे को पूरा करने में असफल रही, और यही जो है वो एक टर्न अराउंड था। कैमरा विजयन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पटना।